हेलो गाइस, मेरे चैनल माय मूड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ, कर्व रॉड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्व रॉड में क्लिप लॉकर किस प्रकार से सेट की जाती हैं, जैसा कि मैं आपको आज यही प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ, जिसमें कि मैं 5-5 केजी की, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो 5-5 केजी प्लेट है, और ये देख सकते हैं कर्व रॉड है मेरे पास। इस कर्व रॉड में ये आप देख सकते हैं ये क्लिप किस प्रकार से, क्लिप लॉकर किस प्रकार से सेट करें। तो आइए चलते हैं, इसे सेट करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम ये देख सकते हैं 5 केजी की एक प्लेट जो कि मैंने डाल ली है, और इसके बाद आप ये देख सकते हैं क्लिप लॉकर है जिसको कि मैं इसमें सेट करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, और ये क्लिप लॉकर, ये देख सकते हैं क्लिप लॉकर, इसे कुछ इस प्रकार से स्टेच करना है, और ये देख सकते हैं क्लिप लॉकर पूरी तरीके से अब फिट हो चुकी है। अब ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप एक तरफ का हो गया है। अब ये हम सेकेंड तरफ देख सकते हैं कर्व रॉड में, और ये 5 केजी डंबल डाल दिया है। अब आप ये देख सकते हैं क्लिप लॉकर है, अब इसमें ये देख सकते हैं कुछ प्रकार से क्लिप लॉकर को कुछ इस प्रकार से डाल के इसको इस प्रकार से दबाना है, और आप ये देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं फाइनली ये डंबल पूरा रेडी हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं 5-5 केजी की प्लेट्स, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये देख सकते हैं इसका गिरने का कोई भी डर रह नहीं गया है, और ये पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।